चेयरमैन मिस्ट्री मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं जो गुलाम है कि मोदी पे भरोसा है, इस पे भरोसा, और यही लोग हैं उठाई गिरे चोर समझे, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, ये मैन मिस्ट्री मीडिया जो देखे थे, काय का इंटरव्यू दिया है, भाषण दिया उसने, तो ताली भी पीट रहे इंटरव्यू वाले, यही है तो काय के यही जनता, यही दलाल है। अच्छा था, अच्छा तो इनके घर में सारे बाप भी बोल रहे होंगे इनके, है कभी कुछ कभी कुछ, इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। हाँ पूछते हैं भाई, पूछते हैं ना समलैंगिक वालों को, जब तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बना रखा है उसी से निकल के आए हैं आरएसएस से, और अभी समलैंगिकता को बढ़ावा दिया इन्होंने, और देख रहे हो जो भी जहाँ मर्जी कुछ भी हो रहा है, तो ये बगौची भारतीय। हाँ न्याय दिलाऊ, हो सकता है भाई, क्या कहूँ मैं, इस परिवार से भी हैं क्या ये, हर एक परिवार के बन जाते क्या, इस परिवार से भी है। रेड़ी पटरी वालों को कोई नहीं पूछता, मैं पूछता हूं और उन्हें सही। अच्छा रेड़ी पटरी वालों को उनकी ठेली उठा के ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, जिन्होंने पकौड़े लगाए उनकी, अब चुनाव के दौरान याद आ रहा है, 10 साल तो लुटवाया उन्हें रेड़ी पटरी वालों को, उन्हें मारा लट्ठों से पुलिस वालों ने, MCD वाले सामान ले गए उठा उठा के, प्राधिकरण वाले। संकल्प पत्र में हर किसी की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, इनका संकल्प का मतलब होता है झूठा पत्र, मोदी की गारंटी। हाँ हाँ, वो झूठा पत्र की गारंटी, महा झूठा, समझे नहीं, महा झूठन दुनिया भर के, मतलब कि इससे ज्यादा महा झूठा पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, अमित शाह और मोदी से ज्यादा, वो तो खुद ही कहते हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटियां हर तरफ चल रही हैं, अब जो वादे कर रहे हैं वो भी मोदी की गारंटी होगी। गारंटी वारंटी कुछ नहीं इसकी, तो वारंटी भी नहीं, गारंटी को तो छोड़ो, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, वो तो साक्षात वो जसोदा बहनी कह चुकी है, उनसे दिलवा दो गारंटी है वारंटी। युवाओं की बात कहा है, निवेश करें और रोजगार दें, काय का निवेश करें, लोन ले बैंक से, भाई लोन कहाँ से लें, काय के लें, सब कंपनियों को तो मजबूत करना है, लोन के नाम पे लूट लेना, और लोन भी भर देगा, उसके बाद भी कह देंगे नहीं ये ऐसे बनता है, फिर कहेगा सेटलमेंट कराएंगे, सेटलमेंट में डकैत पैदा कर देंगे, तो ये लोगों को बर्बाद करके सब कुछ गरीब बना के रोड पे ले आएंगे, बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं भारत के लोगों को, फिर उनकी मंडी लगाई जाएगी, लोगों को बेचा जाएगा चौराहे पे, आदमी की बोली लगेगी, महिलाओं की बोली लगेगी, अरे ये व्यापारी है, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करेंगे वो लोग हैं। मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटियों पे जनता को इतना भरोसा है कि किसी जनता गरीबी से उठाया, अरे किसी जनता को कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक देख नहीं रही, जूते मार रही है इनको, जो चुनाव अब जा रहे हैं, अभी देखो बालियान में क्या, बालियान जो घूम रहा था मुजफ्फरनगर में, कैसे कैसे पे पड़े उसके जूते, उसके बाद देखो मेरठ में जो राम आए हैं, तो लोग कह रहे राम आए हैं तो उनके लिए हम जूते लाए हैं, ये पाखंडी ढोंगी के लिए मेरठ में वो भाग रहा, कह रहा ये क्या हुआ, कह रहा हम राम थे, अब राम कहाँ था तू, कौन सी फिल्म बनाई है इसने, हाँ बिस्तर फिल्म में क्या कर रहा, भोग विलास कर रहा, यहाँ राम बन के दिखा रहा, वहाँ भोग विलास कर रहा, फिल्म देखना इसकी बिस्तर, तो काम है ना, हाँ तो काम है तो फिर काय को राम बन रहा है, हैं काम है तो राम काय को बन रहा है, तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये नौटंकीबाज हैं, और एक्टिंग करना जानते हैं, अभी भी एक्टिंग करने, भाई वहाँ जमीनी लोगों को, भाजपा के जमीनी लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया तो मारेंगे नहीं जूते, इन्हें सारे फिल्मची और चिलमची आ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, अरे मारेंगे ऐसे लोगों को जो लोगों मूर्ख बनाएंगे, जो सरकार ये सोच रही है भेज देगी, मोदी जी ने 2047 का रोड मैप दे दिया, रोड मैप दे तो दिया दिल्ली से, जो पश्चिमी दिल्ली से, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से जो जीता था वो कौन, हंसराज हंस, और इस बार जो अब क्यों भाई काट दिया टिकट उसका, मतलब इसने कह दिया कुछ काम नहीं करा इसने, तो अयोग्य घोषित कर देते इसको, इसको वहाँ फरीदकोट से को टिकट दिया, और फरीदकोट से टिकट दिया तो लोग पब्लिक को दौड़ा दौड़ा के, भाई किसान उसको मार रहे हैं, उसका तबला सा बजा रहे हैं, भागता फिर रहा है उधर, है मोदी जी ने कहा है कि मोदी पर जनता को भरोसा है, गारंटी मतलब भरोसा किसमें, मोदी पर कौन कह रहा है, जनता किसको, किसी को मोदी जी ने कहा है, अरे कहीं नहीं है, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं जो गुलाम है, कि मोदी पे भरोसा है, इस पे भरोसा, और यही लोग हैं उठाई गिरे चोर, समझे, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ ये मैन मिस्ट्री मीडिया जो देखे थे, काय का इंटरव्यू दिया है, भाषण दिया उसने, तो ताली भी पीट रहे हैं इंटरव्यू वाले, यही है तो काय के यही जनता, यही दलाल है, तो अच्छा था, अच्छा तो इनके घर में सारे बाप भी बोल रहे होंगे इनके, है कभी कुछ कभी कुछ, इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। पहले कहते सीमा हैदर को भी लेके बड़े खुश हो रहे थे कि ये आ गई है दीदी भाभी पता नहीं कौन कौन ही थी, चुनाव का मुद्दा चल रहा है, चुनाव पे ही बात, हाँ तो वो भी भाई उसको भी टिकट दे देते, मोदी जी उसको भी देते, वो भी पसंद थी। मोदी जी ने कहा अब तक केवल 5 किलो अनाज मिलता था, 5 किलो अनाज में सही पोषक, सही तत्व, और जेब में पैसा भी रहेगा। यार क्यों जूते खाने वाली बातें कर रहे, खा तो नहीं है वैसे, गाँव वहाँ पीछे तो पड़े हैं, लोग घुसने का दे रहे हैं, ये किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे, इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, किसान भागते फिर रहे वहाँ जान बचा के, है अभी डर लग रहा है, कह रहे हैं अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये अभी बहुत बुरा, जो वादा के सारे पूरे कर दिए, कौन सा पूरा किया, मोदी जी ने खुद क्या तभी तो जनता हटा दिए, राम मंदिर, हाँ मंदिर बना दिए, तीनों बातें मोदी, हाँ तो मोदी ने कर दिए, और बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, बना तो सिंधु यूनिवर्सिटी में, वो नहीं बताएंगे, जो दलित बेटी का बलात्कार करा उसका नहीं बताएंगे, काम कर रहा है कानून, क्या काम कर रहा,
हुआ भाई। हाँ। औरों को तुम गोली मार दोगे, बिल्डोजर चला दोगे। हाँ। उन तीनों दरिंदों के ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया भाई? ने कहा है मुस्लिम है? महिलाएं मेरे साथ हैं। भाई कौन मुस्लिम महिला तेरे साथ, अपनी अपनी बीबी है इनके साथ, पर्सनल आ जाए। पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे, अपनी को तो रख, दूसरों को जब बात करियो, दूसरों की महिलाओं में निगाह रहती है, है? वो बिना जल की महिला आई थी उसका पकड़ लाते हाथ। हाँ। प्रधानमंत्री क्या मजाक बनवाता है, सम्मान दे रहे थे, ये सम्मान दे रहे थे। एक बार हाथ मिला लिया, बार बार हाथ मिला मजा आता है, खुजली होती है ज्यादा हाथ में जो पकड़ता है महिलाओं को। विदेश में कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि प्रधानमंत्री कैसा ही लपका। मोदी जी तो मोदी, आपको नहीं लगता कि 2014 से जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने सब पूरे किए, स्मार्ट सिटी बना दी? बिल्कुल वादे किए थे पूरे। कंगना रानावत का छज्जा बचा दिया। हाँ। उसको टिकट दे दिया मंडी में, उसका वो अपना खत्म हो रहा था कैरियर। हाँ। नेतागिरी में अब ले आए उसको, अभिनेत्री से नेत्री बना दिया उसे, और उसका भाव मंडी में लग रहा है, देखो तो सही तबीयत से भाव लग रहा है। कहा है कि 2014 से अब तक जितने वादे मैंने किए हैं सब पूरे किए हैं। कहीं कोई कुछ बोल नहीं किया, झूठा है। हाँ, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, स्मार्ट सिटी बन गई, है दोगुना वो मिल गया फसल का दाम, कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, बंधक बंद पेंशन दिया, डबल डबल कहा था इन्होंने, दोगुनी आए, ये दोगुनी आए हुई 6,000 देने से लूट लिया देश। यूरिया का कट्टा पी गए, यूरिया खा गए, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया इन्होंने। 2000 दो हजार का के लिए सम्मान है ये? हाँ। ये तो अपमान है, सम्मान ना चाहिए, तुम तो लागत मेहनत का दाम दे अपना। हाँ। किसानों को दे, को बिजली फ्री कर दी मोदी जी ने। ओए बिजली तो पहले ही फ्री थी, कोई नया काम करा, बिजली तो पहले ही फ्री थी, और सरकारों ने दी है बिजली फ्री, इसने थोड़ी दी है बिजली फ्री, ये तो आप चुनाव के टाइम पे फ्री। 24 में जब लाए तो फ्री क्या यार, कोई इसके घर में लग रहा है ट्रांसफार्मर या इनने बनाया? सोलर पैनल लगाएंगे घर। अरे सोलर पहले पता नहीं क्या क्या लगाएगा ये। हाँ। हवाई जहाज में उड़ाएगा, हवाई चप्पल, पता नहीं क्या ये नौटंकी है। ना स्मार्ट सिटी दी, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा के केंद्र खोले, ना विश्वविद्यालय खोले, कुछ नहीं खोला। कहा ना किसानों को आज तक कुछ नहीं मिला जितना हमने करा है, किसी क्या? नहीं किया किसने, वो तो झूठा है। इसने जो करा है कि जितना किसानों को बर्बाद इसने किया, किसी और ने तो करा ही नहीं है। जितना मोदी ने बर्बाद किया किसी ने नहीं करा। हाँ। अब मोदी जी का फोटो देखो, मोदी की गारंटी पे पूरा चुनाव घोषणा पत्र में सब मोदी जी का ही लगा हुआ है। हाँ लगेगा भाई, 56 जगह वो मेन मिस्ट्री मीडिया लगा रही है, लेटरिंग बाथरूम में लगा है, दीवारों पे लगा है, होल्डिंग पे लगा है भाई, सब जगह बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। बाहर शौचालय में जाओ ना, सार्वजनिक शौचालय में सोच समझ के मूतना पड़ता है कि मोदी जी ना लगे अंदर उधर, ऐसी हालत है। काम किया है ना मोदी जी ने। हाँ तो काम किए हैं ऐसी जगह। हाँ। और किसी का फोटो नहीं दिखता। हाँ। समझे, तो पूरे मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल का किसी का नहीं, विपक्ष का किसी का नहीं, किसी का नहीं। तो आप ही तो बोलते हो क्योंकि मोदी अकेले, तो जरूरत क्या, अकेले लड़ ले चुनाव, सबको कट कर दे रहा है ना, खुद ही जब तो बोले आया सिंगल कहीं ना मोटी का जा रहा है। पहले मशीन हटाए फिर उसके बाद बताए, मशीन से चुनाव जो जीतने की तो तैयारी है। हाँ। ठप्पा मार पे ले आए, पेपर ठप्पा पे लेके आए, औकात पता चल जाएगी, ये जो कलंक और धब्बा भारत के ऊपर लगा रखा है मिट जाएगा, अब ठप्पा पे आ जाएगा तो चुनाव।